ओके सो निफ्टी का डेली एनालिसिस कर लेते हैं अपन। निफ्टी क्लोज हुआ है अपना 486 पे। तो सीधा सीधा प्लान है आपकी बार निफ्टी में कि अगर 17,430 के नीचे निकलता है, एक 5 से 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो अपना पहला टारगेट बनेगा इसमें नीचे की साइड का 350 का। और अपसाइड अगर 534 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, 534 के ऊपर निकलता है डायरेक्टली भी, तो अपन 580 और 650 के दो टारगेट के लिए निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं। ये दो टारगेट निफ्टी के नीचे के साइड के ज़्यादा टारगेट अभी नहीं है, लेकिन 350 तक आ सकता है एक रिट्रेसमेंट के लिए। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं, मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो वहाँ से अपन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल निफ्टी में तो मुझे ज़्यादा कुछ स्कोप लग नहीं रहा है, बट हाँ कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रेड की जा सकती है। जैसे कि कल अपन ने SBI और इंडियन होटल के बारे में डिस्कशन किया था, आज दोनों के ही टारगेट सुबह आ गए थे, तो देखते हैं, हो सकता है रोज़ ना आए, बट आज भी हैं एक दो तो स्टॉक्स जिसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी का तो व्यू सिंपल है कि अगर 430 के नीचे एक कैंडल क्लोज करता है 15 से 30 मिनट की, तो उसका पहला टारगेट बनेगा 350 का। एंड अब अपसाइड इसमें अगर 535 के लेवल ब्रेक होते हैं, तो 580 और 650 के टारगेट के लिए ट्रेड ली जा सकती है। ओके स्टॉक्स में अपना पहला स्टॉक्स तो रहेगा HDFC के। हाँ मार्केट में थोड़ा सा HDFC ट्विंस जो है ना, वो थोड़ा सा प्रेशर में लग रहे हैं। तो अगर कल HDFC फ्लैट खुल के 1439 या 1440 के नीचे भी निकलता है, तो इसमें पहला टारगेट बनेगा 1430 एंड देन 1420। ये दो टारगेट के लिए HDFC में कल ट्रेड की जा सकती है। और HDFC में भी है थोड़ा सा प्रेशर, HDFC भी देख लेते हैं। HDFC अगर 2320 के नीचे निकलता है, तो 2310 से लेके 2300 और 2290, ये तीन टारगेट HDFC में भी आ सकते हैं। HDFC और HDFC बैंक दोनों ही थोड़े से प्रेशर लगते हैं, इसलिए हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में आ जाए शुरुआती फेज़ में। बाकी डाओ भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, हालांकि 200 पॉइंट ऊपर ही है। एक स्टॉक अपना अपसाइड के लिए रहेगा अपना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने आज अच्छा सा रिबाउंड किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, हालांकि इसमें ट्रेड दिख रही थी कल भी, कल मैंने डाली नहीं इसमें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में रहेगा कि अगर तो ये 107 के ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट बनेगा इसमें 109 एंड देन 111, 109 और 111 के लिए इसमें ट्रेड ली जा सकती है। अगर 107 के ऊपर निकलता है, अगर एनीथिंग बिलो 104 वी विल इग्नोर द ट्रेड। हालांकि इसका 104 के आसपास सपोर्ट भी आएगा, बट अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि एक मोमेंटम निकल जाएगा। इसलिए अगर 100 फ्लैट खुलने के बाद 107 क्रॉस करता है, तो 109 और 111 के लिए दो टारगेट के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अपन ट्रेड लेंगे, ट्रैक कर सकते हैं। ओके सो दैट्स इट। HDFC कल थोड़ा सा वॉच करने लायक रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है डाउन साइड, देखते हैं क्या होता है। ओके सो दैट्स इट, थैंक यू।